नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद के बरेली की, जहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए बात करते हैं बरेली जनपद के जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के। मनवर, आपका नाम? मैं जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल मोहम्मद मकबूल। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम रखा? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म, आज हमारे बरेली के कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह पार्क में एकत्रित हुए और आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए। आज कहाँ कहाँ के लोग आए हैं? आज हमारी बरेली की पूरी टीम राष्ट्रीय दोग की बरे यहाँ पर एकत्रित है। क्या चुनाव को लेकर भी कोई तैयारी की जा रही है? हमारी राष्ट्रीय लोकदल बरेली की पूरी टीम और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन हमारी समाजवादी पार्टी से चल रहा है, उसी से संबंध बातचीत भी चल रही है, उसी की तैयारियां हो सकता है हम लोग मीटिंग भी उसी उपलक्ष्य में अभी करेंगे। तो उसके बाद भी कोई कार्यक्रम है आज माल्यार्पण का? माल्यार्पण के बाद हमारे राष्ट्रीय लोकदल की बरेली टीम की आज मीटिंग भी है निकाय चुनाव के संबंध में। ठीक है, जिलाध्यक्ष महोदय से बातचीत हो चुकी है, अब श्री पाठक जी से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम सर? सर्वेश पाठक, कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल बरेली। आज किस उपलक्ष्य में आप लोग उपलब्ध यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष मोहम्मद मकलूब साहब के निर्देशन में यहाँ एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि अर्पित की है और हम ये चाहते हैं कि उन्हीं के मार्गों पर, उनके बताए मार्गों पर, उनके संविधान जो लिखा है, कानून जो लिखा है, उसके मार्गों पर सभी जो है लोग चलें। और वर्तमान में मैं थोड़ी टिप्पणी करना भी चाहता हूं कि सरकार को, कि आजकल सरकार के पास कोई कानून नहीं है, सर्वे सर्वा सब तहनशाही चल रही है, लेकिन आज हमको ये एहसास हुआ कि हम लोग अगर यूनिटी हमारी, हमारे अल्पसंख्यक हैं, हमारे SC के लोग हैं, हमारे जनरल लोग हैं और सब लोग, यूनिटी अगर नहीं हुई तो ये BJP की सरकार किसी को रहने नहीं देगी, प्रताड़ित करती रहेगी। अभी शाम को हमारे जिलाध्यक्ष महोदय नगर निकाय के चुनाव संबंध में एक बैठक भी बुला रहे हैं, हमारा सपा से गठबंधन है और हम 80 वार्डों में जितनी भी सीटें हम मजबूत हैं, हम सपा के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष से बात करके अपने प्रत्याशियों को वहाँ से लड़वाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष मोहम्मद मकलूब साहब के निर्देशन में यहाँ एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि अर्पित की है और हम ये चाहते हैं कि उन्हीं के मार्गों पर, उनके बताए मार्गों पर, उनके संविधान जो लिखा है, कानून जो लिखा है, उसके मार्गों पर सभी जो है लोग चलें। और वर्तमान में मैं थोड़ी टिप्पणी करना भी चाहता हूं कि सरकार को, कि आजकल सरकार के पास कोई कानून नहीं है, सर्वे सर्वा सब तहनशाही चल रही है, लेकिन आज हमको ये एहसास हुआ कि हम लोग अगर यूनिटी हमारी, हमारे अल्पसंख्यक हैं, हमारे SC के लोग हैं, हमारे जनरल लोग हैं और सब लोग, यूनिटी अगर नहीं हुई तो ये BJP की सरकार किसी को रहने नहीं देगी, प्रताड़ित करती रहेगी। अभी शाम को हमारे जिलाध्यक्ष महोदय नगर निकाय के चुनाव संबंध में एक बैठक भी बुला रहे हैं, हमारा सपा से गठबंधन है और हम 80 वार्डों में जितनी भी सीटें हम मजबूत हैं, हम सपा के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष से बात करके अपने प्रत्याशियों को वहाँ से लड़वाएंगे और जितवाएंगे। अहम भूमिका रहेगी राष्ट्रीय लोकदल की जनपद बरेली में मोहम्मद मकलूब जिलाध्यक्ष के रूप में। तो बरेली नगर निगम में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथियों से हमारे जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष से वार्ता भी हुई है एक बार और आगे भी वार्ता होगी। जहां हमारा कैंडिडेट लड़ेगा वहां वो नहीं लड़ेंगे, जहां वो लड़ेंगे वहां हम नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे का संघर्ष बनाते हुए और ये चुनाव लड़ा जाएगा और प्रागत लोगों पर, जितने जो भी लोग हैं उनको हराकर राष्ट्रीय लोकदल का, समाजवादी का झंडा बरेली में बुलंद होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं बरेली की जनता? जनता से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बरेली में कोई विकास नहीं हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है लेकिन विकास के नाम पर जीरो है, घोटाले हो रहे हैं नगर निगम में। यहाँ की जनता ये देखना चाहती है, वर्तमान सरकार को उसने देख लिया, वर्तमान नगर निगम प्रशासन को देख लिया, अब वो ये चाहती है कि बदलाव हो, अच्छे लोग निकल के आएँ और अच्छे लोगों की नगर निगम में भूमिका अहम हो ताकि बरेली का चौमुखी विकास हो सके। उसलिए राष्ट्रीय लोकदल ने कमर कस ली है और राष्ट्रीय लोकदल हर जगह अपने प्रत्याशी उतारेगा
और निश्चित ही हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और एक अच्छी हवा बनेगी और अच्छे जो है रिजल्ट निकल के आएंगे और बरेली का विकास करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के। दोस्तों आज बात कर रहे थे हम सर्वेश पाठक जी से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बतौर, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर जो मार्गदर्शन के विषय में बताया, क्या वाकई आज के लोग उस मार्गदर्शन